चिरंजीवी काफी लंबे समय से साउथ फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी हैं। सुपरस्टार चिरंजीवी ने लंबे समय तक फिल्मों से ब्रेक लिया है, लेकिन अब दोबारा वो अपने फैंस का मनोरंजन करने के लिए वापस आ गए हैं। चिरंजीवी की तरह ही उनके बेटे रामचरण ने भी साउथ इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है और खूब सफलता भी हासिल की है। लेकिन अब फैंस को एक बड़ी ट्रीट मिलने वाली है। फैंस लंबे समय से रामचरण और चिरंजीवी को बड़े पर्दे पर साथ में देखने का इंतजार कर रहे थे। अब इन दोनों ने ही अपने चाहने वालों की यह इच्छा पूरी कर दी है, क्योंकि पहली बार रामचरण अपने पिता चिरंजीवी के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। यह दोनों साथ में फिल्म आचार्य में काम कर रहे हैं। इस फिल्म का टीजर दर्शकों के सामने आ चुका है, जो 28 नवंबर को रिलीज हुआ था। इस टीजर का फैंस को बड़े लंबे समय से इंतजार था। आचार्य इस साल यानी 4 फरवरी 2022 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। रामचरण और चिरंजीवी के साथ इस फिल्म में पूजा हेगड़े और काजल अग्रवाल भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म की पहली झलक सुपरस्टार रामचरण ने अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस 1 मिनट 11 सेकंड के टीजर में फैंस को रामचरण के बच्चों के साथ मस्ती करने से लेकर गरीबों को भोजन करवाने और साथ ही पूजा हेगड़े के साथ रोमांस की झलक देखने को मिली थी। लेकिन अंत में रामचरण एकदम अलग लुक में नजर आए और जंगल में लड़ाई करते हुए उनका इंटेंस रूप देखने को मिला था। टीजर में एक सीन है जब वह अपने पिता चिरंजीवी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए हैं। इसका साफ इशारा है कि आने वाली फिल्म कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई होने वाली है, और होना लाजमी भी है क्योंकि फिल्म में जब साउथ के दो सुपरस्टार होंगे तो इतना एक्शन होना तो बनता ही है। आचार्य 4 फरवरी 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, लेकिन बता दें कि फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के बाद मेकर्स फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करने का प्लान भी कर रहे हैं। फिलहाल फिल्म का कुछ पोस्ट प्रोडक्शन काम बाकी है, लेकिन जल्द ही आचार्य के प्रमोशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ओमिक्रॉन का प्रभाव कम नहीं हुआ तो इसके प्रमोशन को वर्चुअल तरीके से किया जाएगा, लेकिन रिलीज को नहीं टाला जाएगा, क्योंकि आचार्य का टीजर फैंस को खूब पसंद आ रहा है। और इस बात का अंदाजा आप लोग लगा ही सकते हैं कि पोस्ट किए गए इस टीजर को अब तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। रामचरण की RRR भी पोस्टपोन हो गई है, लेकिन अब अगर RRR के साथ आचार्य भी पोस्टपोन हो जाती है तो रामचरण को नुकसान हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आचार्य भी पोस्टपोन हो सकती है? जल्दी से जाइए और बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।